हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो फ़ोन है तो वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट नंबर्स है तो कॉन्टैक्ट नंबर्स को आप ब्लैक लिस्ट से कैसे रिमूव कर सकते हैं वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो फ़ोन है तो वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर्स है तो कॉन्टैक्ट नंबर्स को ब्लैक लिस्ट से कैसे रिमूव कर सकते हैं वीवो फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं हमारे फ़ोन में कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर को ब्लैक लिस्ट से कैसे रिमूव करें, सिंपली आपके फ़ोन के आइकन्स हैं कुछ इस तरीके से हमारे फ़ोन में ओपन हो जाएंगे। ओपन होते फिर आपके पास ऑप्शन आता है फ़ोन आइकन्स का, तो फ़ोन आइकन्स पे आपको क्लिक कर देना है। तो फ़ोन आइकन सेटिंग्स हमारे फ़ोन में कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। तो इसमें से आपको देख सकते हैं क्या करना है। तो इस पे जाना है, इस पे जाते ही आपके पास ये सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर से जो ब्लैक लिस्ट में, इसको ब्लैक लिस्ट से कैसे हटाएंगे या रिमूव करेंगे तो देख सकते हैं कि आपको जाना है ब्लॉकेड नंबर पे। तो ब्लॉकेड नंबर पे देख सकते हैं कि जो नंबर है ब्लैक लिस्ट में हो रखा है, तो ब्लैक लिस्ट से रिमूव कैसे करें। तो आपको इस डॉट पे क्लिक करना है क्रॉस पे, और अनब्लॉक पे करते ही जो कॉन्टैक्ट नंबर से हमारे फ़ोन से ब्लैक लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर्स को ब्लैक लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन में, और साथ में इसका यूज़ भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि फ़ोन की सेटिंग शो हो रही है। तो आप देखते हैं कि यहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट नंबर्स को ब्लैक लिस्ट में रिमूव कर पाएंगे। जैसे कोई भी नंबर्स आपके फ़ोन में ब्लैक लिस्ट में हो रखा है, जैसे हम इस तरीके से इसको ब्लैक लिस्ट में कर भी सकते हैं, और इस तरीके से आपके नंबर शो हो रहा है तो आपको यहाँ से इसको अब ब्लैक लिस्ट से अनब्लॉक कर लेना है। तो इस तरीके से भी आप ब्लैक लिस्ट से कॉन्टैक्ट नंबर्स को रिमूव कर पाएंगे, और जो नंबर्स हैं आप ब्लैक लिस्ट से रिमूव करके यूज़ कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें।